नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात करते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, राजस्थान की फ्लैगशिप कार्यक्रमों को लेकर कि क्या है, कैसे हैं, इसकी जानकारी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जैसा कि पता है रीट में नया टॉपिक जुड़ा हो, इससे सवाल डेफिनेटली बनेंगे। और कोरोना को लेकर तो राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि मॉडल भी इसका बड़ा पॉपुलर रहा था, भीलवाड़ा मॉडल की बात करें तो इसको लेकर सवाल भी बनेंगे। तो बात करें मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की, जो कोरोना के दौर में शुरू किया गया। अब योजना का उद्देश्य क्या, उसकी बात कर लेते हैं। कोरोना महामारी में जो है, कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं हैं, उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना होगा, उद्देश्य हैं, ठीक है ना। अब पात्रता, इसके अंतर्गत कौन पात्र होंगे। योजना अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणन के आधार पर कोरोना बीमारी से मृत्यु होने पर अनाथ बालक या बालिका तथा विधवा महिला और उनके बच्चे अनुदान, आर्थिक या फिर अन्य कोई सहायता उसके पात्र होंगे। बालक, बात करें अनाथ बालक बालिका विधवा महिला एवं उसके बच्चों को जो है योजना अंतर्गत वर्णित अनुदान आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत भी इनको लाभ प्राप्त हो जाएंगे, हो सकेंगे। कौन कौन से होंगे देखते हैं। अनाथ बालक बालिका विधवा महिलाओं के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होंगे। पालनहार योजना में वस्त्र, पाठ्यपुस्तकें आदि के लिए दी जाने वाली राशि ₹2000 प्रतिवर्ष एक मुश्त दी होगी, यानी एक साथ दी जाएगी। कितने रुपये? ₹2000 प्रतिवर्ष। कोरोना के कारण विधवा महिला कोरोना पेंशन योजना, पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होगी। कोरोना विधवा पेंशन मिलेगी, लेकिन उसके तहत जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अनाथ बालक बालिका तथा विधवा महिलाएं राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो अथवा कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत हो। या तो देखें, बात करें या तो मूल निवासी हो या फिर कम से कम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हो राजस्थान में। अनाथ बालक बालिका तथा विधवा महिला के परिवार द्वारा कोरोना योद्धा योजना का लाभ प्राप्त करने की स्थिति के पात्र नहीं होंगे। अनाथ बालक बालिका विधवा के बच्चों के मृतक माता पिता व विधवा पति की राजकीय सेवा या राजकीय उपक्रम के स्थायी कार्मिक होने की स्थिति में वे राज्य योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे। अनाथ बालक बालिका विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय में जाना आवश्यक होगा। विधवा महिला की कोरोना विधवा पेंशन निम्नांकित परिस्थितियों में निरस्त की जाएगी। अगर हो जाता है विधवा महिला की स्वयं की कोई राजकीय सेवा में नियुक्ति हो जाएगी, विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह किए जाने पर ये होगी। कोरोना के कारण हुई विधवा महिला के लिए अधिकतम आय तथा आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो क्या क्या मिलेगा लाभ देखें, इसके अंतर्गत लाभ क्या होगा। कोरोना मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना इसी के अंतर्गत है, ठीक है। तो बात करें आर्थिक सहायता, प्रत्येक बालक बालिका की तत्काल आवश्यकता है तो राशि ₹1,00,000 का एक मुश्त अनुदान, यानी ₹1,00,000 एक साथ दिए जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक बालक या बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पूर्ण करने तक, जब तक 18 साल के नहीं है तब तक ₹2,500 यानी कि ₹2,500 प्रति माह जो है बालक बालिका को प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक बालक या बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, देखो पूर्ण होने तक तो ₹2,500 और पूर्ण करने पर ₹5,00,000 एक मुश्त यानी एक साथ दिए जाएंगे। उपरोक्त राशि अनाथ बालक बालिका के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी, डायरेक्ट था खाते में हो जाएगी। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें, शैक्षणिक में क्या होगा, कक्षा 12 तक निःशुल्क राजकीय आवासीय विद्यालय छात्रावास विद्यालय के माध्यम से ये जो है शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर यानी DBT वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। इनकी पात्रता है तो कोई अन्य शर्तें यथा जाति, आय इत्यादि लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में उनको प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री जो है कोरोना विधवा सहायता की बात करें, विधवा महिलाओं हेतु इसमें बात करें तो विधवा महिलाओं को जो राशि ₹1,00,000 एक मुश्त यानी एक साथ दी जाएगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्राइटेरिया दिया जाएगा विधवा महिलाओं को उसकी पेंशन हेतु पात्रता आधारित करने की अवधि में आजीवन राशि ₹1,500 यानी कि ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। अब मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता, इसके अंतर्गत बात करें विधवा महिला के जो बालक बालिकाओं हो, तो विधवा महिला के हो जाएंगे तो विधवा महिला के बालक बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक यानी 18 वर्ष तक होने तक ₹1,000 प्रतिमाह बालक बालिका को दिए जाएंगे। अब बात करें तो विधवा महिला के बालक बालिका के
18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विधवा जो विधवा महिला के बालक बालिकाओं को उनके 18 वर्ष तक बच्चे जब तक नहीं हो जाते तब तक विद्यालय पोशाक वगैरह पाठ्य पुस्तकें वगैरह इनके लिए जो है 2000 रुपये प्रति बालक 2000 रुपये प्रति बालक या बालिका एक साथ दिए जाएंगे इस वार्षिक, ठीक है ना, वार्षिक एक साथ दिए जाएंगे। चलिए ये आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जिला कलेक्टर द्वारा जिले में कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों विधवा महिलाओं उनके बच्चों का चिन्हीकरण करवाया जाएगा। ये बात थी आपके कोरोना को लेकर क्या क्या योजनाएं थी कोरोना आर्थिक सहायता को लेकर। नमस्कार।